टेस्ला फोन विल किल आईफोन। तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेस्ला के अपकमिंग फोन मॉडल पाई की। एंड आपको पता है टेस्ला के पीछे किसका नाम है? इलोन मस्क का। इसके को फाउंडर एंड सीईओ इलोन मस्क है। इलोन मस्क की काफी सारी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स हो गई, और इन्होंने अभी स्टारलिंक को भी पॉसिबल करके दिखाया है। और यही नहीं भाई, इलोन मस्क हाइप बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। आपने सुना होगा डोज कॉइन के बारे में, भाई डोज कॉइन की हाइप उन्होंने बहुत तगड़ी बनाई थी। तो इसी तरीके से ना इनके टेस्ला के अपकमिंग फोन मॉडल पाई की भी काफी हाइप बन रही है। काफी मस्त मस्त फीचर बताए जा रहे हैं जिसकी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, 10,000 लाइक्स के लिए 2,000 कमेंट को, और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना, काफी मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टारलिंक की। तो हजारों सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में भेज दी गई हैं, और धीरे धीरे ना जाल बनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड पे इन सैटेलाइट का, जिसकी वजह से उस जगह पर भी इंटरनेट पॉसिबल होगा जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं मिलता था। इवन जो लोग सैटेलाइट इंटरनेट यूज करते थे ना, उसमें ज्यादा लेटेंसी मिलती थी, बिकॉज जो वो सैटेलाइट थी वो अपर ऑर्बिट में थी, एंड ये वाली सैटेलाइट जो है वो लोअर ऑर्बिट में है, जिसकी वजह से यहां पर आपको कम लेटेंसी मिलेगी। साथ यहां पर जो नेटवर्क स्पीड है, अभी तक जो अपर सैटेलाइट से स्पीड मिलती थी सैटेलाइट इंटरनेट में, वो 100 Mbps के आसपास मिलती थी, इसके साथ मिलती है पूरे 210 Mbps की। एंड इलोन मस्क ने बताया कि ये धीरे धीरे इंप्रूव भी हो जाएगी। तो यहां पर नेटवर्क स्पीड काफी सही है बिकॉज लो लेटेंसी मिलती है, और इसका फायदा वहां पर मिलेगा जिस जगह पर आज भी इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है। और जैसे कि हम हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, वहां पर भी इंटरनेट की काफी दिक्कतें हैं, और साथ ही फ्लाइट में कस्टमर को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का यूज लिया जाता है। तो इलोन मस्क के जब हम स्टारलिंक को यूज करेंगे तो यहां पर स्पीड थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। एंड ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी भी इसे हजारों लोग यूज कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। हालांकि इसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो थोड़ा महंगा है, मे बी फ्यूचर में थोड़ी कम देखने के लिए मिले। तो ये है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक पॉसिबल करके दिखाया इलोन मस्क ने, एंड यहां पर इसी वजह से इसके जो नया फोन है मॉडल पाई, इसकी काफी ज्यादा हाइप बन गई है। नया क्या, इनका पहला फोन होने वाला है ये। और आपको पता होगा जिस भी चीज के साथ इलोन मस्क का नाम जुड़ता है वो चीज एक तरीके से पॉसिबल हो ही जाती है। तो इस वजह से इसकी एक हाइप बन रही है। दूसरा, यहाँ पर हाइप के पीछे एक चीज और है भाई, इसके जो फीचर्स है वो काफी तगड़े बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। तो ये जो फोन है वो स्टारलिंक से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। अभी मैं बता दूं, स्टारलिंक को यूज करने के लिए ना आपको अच्छा खासा सेटअप लगाना पड़ता है, एक रिसीवर लगाना पड़ता है, फिर मॉडेम लगाना पड़ता है, उसके बाद आप इसे यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है ये जो मॉडल पाई होगा इसके अंदर पहले से आपको ऐसे एंटीनाज मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्ट स्टारलिंक से कनेक्ट करा के रखेंगे। और अगर आपके फोन के अंदर सिम भी नहीं है ना और नेटवर्क भी नहीं है, जब भी आपको इंटरनेट प्रॉपर मिलने वाला है इसके अंदर। और यही नहीं, ये भी बता रहे हैं अगर आप कभी मार्स पर जाओगे ना तो वहां पर भी इंटरनेट मिलेगा। कुछ भी, तो देख लो अगर कभी आपका जाना हो, ले सकते हो आप इस फोन को। गजब बेइज्जती है। तो ये फोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा। तो ये पहला फोन होगा नॉर्मल लोगों के लिए जो एक सैटेलाइट फोन होने वाला है। इससे पहले भी सैटेलाइट फोन आते हैं लेकिन वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते, वो होते हैं मिलिट्री पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ये पहला फोन होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज को सुनकर तो मैं भी हिल गया था, न्यूरालिंक टैक। मतलब इस चीज को सुनने के बाद मेरे को लगा ऐसा हो भी सकता है, मतलब आप अपने फोन को थॉट से पूरा एसेस कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट बोलूं तो आपको सोच समझ के अपना फोन चलाना होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या ये चीज पॉसिबल है, तो एक्सपर्ट के थ्रू बताया गया है कि ये चीज पॉसिबल है अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस की वजह से। तो इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी चीज है, बट मुझे नहीं लगता ये चीज पॉसिबल होने वाली है अभी कुछ सालों के अंदर। इस चीज को मैच्योर होने के लिए काफी टाइम लगेगा, फोन में आने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और नेक्स्ट है, आप इस फोन को एज ए क्रिप्टो वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। टेस्ला कुछ ही टाइम के अंदर अपना मार्स कॉइन लॉन्च करने वाला है क्रिप्टो के अंदर। एंड यही नहीं है, आप इसके अंदर ना उसकी माइनिंग भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता था, क्रिप्टो माइनिंग के लिए ना काफी तगड़े तगड़े पीसी बिल्ड कराए जाते हैं, काफी महंगे महंगे। तो ये फोन एक तरीके से सुपर कंप्यूटर होने वाला है भाई, छोटा सा जिसे आप पॉकेट में लेकर घूमने वाले हो। कुछ भी कह रही। यहां पर अगर इसकी प्रोसेसर की बात करूं तो इसकी दो लीक आ रही है। एक तो ये आ रही है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का बिल्कुल लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है। दूसरा ये आ रहा है कि टेस्ला अपना खुद का सिलिकन बिल्ड करेगा इस फोन के लिए ताकि तगड़ी तगड़ी चीजों को हैंडल कर पाए। और ये तगड़ी टक्कर देने वाला है क्वालकॉम एंड एप्पल के फ्लैगशिप प्रोसेसर को। अब नेक्स्ट जो हाइप बन रही है उसमें भाई कैमरास को क्यों ना इंक्लूड करा जाए, हर कंपनी करती है। और इसको सुनने के बाद ना मेरे को लगा ये जो सिनेमा कैमरा जिससे आप मुझे देख रहे हो ये मैंने गलत तो नहीं ले लिया, मेरे को फोन का ही वेट करना चाहिए था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहां पर 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा होगा, 250 मेगापिक्सल के होंगे, एंड 5 मेगापिक्सल का फिर वही आपको डेप्थ या मैक्रो कैमरा सेंसर मिलेगा, एंड फ्रंट में 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो चलो ऑन पेपर तो हमने देखा है ऐसी स्पेक्स दूसरी कंपनी भी दे देती है, इवन मोटोरोला ने तो 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। भाई टेस्ला भी कमजोर है भाई। गजब बेइज्जती है।
लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स इन्होंने कैमरा के अंदर बताया है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े देखने के लिए मिले हैं। लाइक अभी तक हमने 100x जूम देखा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेस्ला मॉडल पाई के अंदर आपको 200x जूम देखने के लिए मिलेगा। तो चलो ये चीज तो पॉसिबल है, लेकिन दूसरी चीजें जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ शायद उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन हट जाए और बेड पर हो तो बेड हट जाए। सबसे पहला है कि इससे आप मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो कैप्चर कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आप दूसरे प्लैनेट्स की फोटो कैप्चर कर सकते हैं इस फोन से कुछ भी। और भाई आपको अब जरूरत नहीं है महंगे महंगे कैमरास, बड़े बड़े टेलीफोटो कैमरा लेंस लेने की, यहाँ पर आप इस फोन का वेट करिए। मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा हो चुका है, मतलब इतनी ज्यादा लीक्स आ रही है इस चीज के बारे में कि ये चीज पॉसिबल होगी। अब इलोन मस्क का नाम है, मे बी हो भी जाए, बट आपको क्या लगता है कोई और फीचर बच गया तो कैमरे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल की वजह से ऑब्वियसली इस फोन का जो वेट है वो काफी ज्यादा हैवी होने वाला है। इन शॉर्ट मैं ईंट बोल सकता हूं इसे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस फोन की जो बैक है वो कलर चेंजिंग होने वाली है, एंड कलर चेंजिंग बैक तो हालांकि मैंने सुना है वीवो की वी सीरीज के अंदर भी होने वाली है, तो ये चीज तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर भाई बैक से ही ये फोन पूरा चार्ज होगा, यहाँ पर आपको बैक पैनल जो मिलेगा वो सोलर एनर्जी से फोन को चार्ज करेगा, तो ये भी एक नई चीज देखने के लिए मिल रही है भाई फोन के अंदर। दूसरा यहाँ पर जो डिस्प्ले है 2K हो सकती है या 4K होगी, मतलब 4K डिस्प्ले तो आज तक मैंने आई थिंक किसी फोन के अंदर नहीं देखी, तो चलो 2K डिस्प्ले तो हमने फोनों के अंदर देखी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज हाइप क्रिएट कर रही है ना डिस्प्ले के अंदर वो है इसका हाई रिफ्रेश रेट, यहां पर आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, मतलब इसे छूते ही ना सीधा जाने वाले डिस्प्ले दूसरे घर में। कोई सेंसेस बात की भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी हाइप बन रही है, मैं तो बेताब हो रहा हूँ इस फोन को यूज करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप टेस्ला की कार यूज करते हैं तो ये फोन को आप एज अ की भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से टेस्ला का इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा वहां पर। तो इतनी सारी हाइप आ रही है, अगर आपको कोई फीचर लग रहा है कि मिस हो गया है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, मे बी इलोन मस्क इस वीडियो को देख लें और वहां पर वो फीचर भी ऐड कर दे फोन के अंदर, तो आप वो बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। खैर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक्सपर्ट के थ्रू बताया जा रहा है अगर ये सारे फीचर्स आते भी हैं तो इस फोन की कॉस्ट होगी कम से कम $3,000-$4,000, और इंडियन करेंसी में देखो तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करके उस पर टैक्स डाल दो, मतलब 4-5 लाख का फोन होने वाला है। खैर सुपर फोन है, हमें ये भी नहीं भूलना। बट यहाँ पर जो टेस्ला फैन है उनका ये भी बोलना है कि एप्पल को टक्कर देने के लिए इसका जो प्राइस होगा वो $1,000-$1,500 होने वाला है, तो देखते हैं कब आता है फोन। बट मुझे लगता है कि ये फोन सिर्फ एक कल्पना के अंदर बनाया गया है, मतलब इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी एक फोन के अंदर मुझे नहीं लगता ये अभी आने वाली है, मतलब इस चीज को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी टेस्ला की तरफ से भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये फोन आएगा भी या नहीं आएगा, बट ये ऐसी बातें हवा में चल रही हैं। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या ये फोन आ सकता है नहीं आएगा, और कोई फीचर मिस हो गया तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैगा सुकर टू वॉच यू हार्ट फिल स्टेड इन विद एचपीएन बॉक्स गाइस।